हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। मैं भक्तिविद अरुण कुमार, आप सभी का अरुण कुमार हूँ। मैंने बहुत सी सारी वीडियो बनाई हैं, डांस डूंस कमेटी कमेटी, उसमें भी लाइक लुक अच्छे आते हैं, लेकिन मेरा चैनल अभी डाउन चल रहा है। मैं भक्तिविद अरुण कुमार हूँ, मेरा चैनल अभी थोड़ा डाउन चल रहा है, तो प्लीज़ इसीलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए। आज मैं बैटिंग की वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा मेरे को, ठीक है। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब, मेरे बोलने से पहले आप लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए, थैंक यू। तो हेलो गाइस, कैसे हो। आपको थोड़ा पोजीशन लेना नहीं आता तो मैं इसलिए वो दिखा देता हूँ आपको। पहले अपना पैर पैर के पीछे रखना है, देखो ऐसे रखा पैर के पीछे। मेरा ये जो हैंड है हाई लेवल पे गया, मेरा बैट ऊपर गया, और मेरा जब बॉल आएगी तब मेरा पैर ऐसे आगे निकलेगा और मैं ऐसे जोर से बैट खाऊंगा और छक्का जाएगा। इसीलिए इसे पावर हिटिंग कहते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, इसे पावर हिटिंग कहते हैं। देखो फिर से दिखाता हूँ, ये पोजीशन लिया पैर के पीछे, और ये मेरी एल्बो, मैं अपने एल्बो को इधर कर दूंगा, बैट गया हाई लेवल पे, ठीक है, बैट गया हाई लेवल पे और मेरा पैर निकला और मैंने ऐसे शॉट मारा। और देखो गाइस, ग्रिप कैसे करनी है, ये इससे थोड़ा इधर इतना सा छोड़ के आपको यहाँ पे आपको अपना बैट पकड़ना है ऐसे, ठीक है, ऐसे अपना बैट पकड़ा। अगर वो बंदा स्पिन है, देखो अगर वो बंदा स्पिनर है ना, तो बॉल ठप्पा पड़ के जो थोड़ी सी ऊपर आएगी ना, अपना बैट थोड़ा यहाँ पे रखना और ऐसे मार देना, ठीक है, आपका हाई लेवल पे जाएगा और आपका छक्का चला जाएगा। और गाइस देखिए, और मैंने एक स्पिन पे वीडियो बनाया था, वो काफ़ी वायरल हुआ है, इसलिए इसको भी देखता हूँ। देखिए ड्राइव कैसे खेलनी है, पोजीशन लिया, बैट को ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाना, ये मेरी ऐसे एल्बो होती है, थोड़ा सा इधर करना है, बॉल आई पैर इधर, पैर देखो पूरा सीधा है, पैर थोड़ा इधर किया और ऐसे बैट घुमा दिया, पैर की पोजीशन वही रहेगी, थोड़ा सा टेंट होगा, जैसे बॉल को करते हैं वैसे थोड़ा टेंट, बैट इधर और ऐसे, ये ड्राइव, ड्राइव में गैप होता है, ठीक है, गैप होता है। और देखिए, और जो क्रीस होती है ना गाइस, जैसे मान लो कि ये क्रीस है, ठीक है, दिखाता हूँ, देखिए ये समझ लो क्रीस है, चलो नहीं दिख रहा होगा थोड़ा बहुत, देखो ये क्रीस है आपकी, और मैंने ये क्रीस से बाहर आपका थोड़ा सा पैर बाहर होना चाहिए, मतलब जैसे जैसे ये क्रीस है, ये आपका पैर है, इस पे देख लो कितना फ़र्क है, ये क्रीस है और ये क्रीस के बाहर आपका पैर होना चाहिए, अगर वो स्पिनर है तो ये आपका पैर बाहर होना चाहिए, अदरवाइज अंदर ही रहेगा, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है, आई बात में। और कमेंट में ज़रूर बताना, और देखो जब फास्ट बॉल हमारे चेस्ट पे आ रही है, फास्ट बॉल भी बता देता हूँ गाइज आपको, जब फास्ट बॉल आपके चेस्ट पे आ रही है, चेस्ट पे, तो आपको करना कैसे है, अपनी पोजीशन रखी, बैट को बस वही रखना है, बॉल आई ऐसे मार दो, देखा, फिर देखिए किया, ऐसे मार दो, ओह सॉरी सॉरी लग गया बैट, इधर कर देता हूँ ताकि पता रहे, नहीं तो दरवाज़ा टूट ही जाए, देखो ठीक है, ऐसे है, ऐसे मार दो, फिर देखिए ऐसे हूँ, ऐसे मार दो, ठीक है, ऐसे डेली टिप्स के लिए हमें फॉलो कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए गाइस, चेस्ट पे आ रही थी, आपने ऐसे कर दिया, और अगर बॉल ठप्पा इधर पड़ के इधर आ रही है आपके पास और आपको समझ नहीं आई, तो आपने करना क्या है, आपने नॉर्मल ही रखना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, पैर निकाला ऐसे कर दिया, ठीक है, फिर देखिए ऐसे था, नॉर्मल था, पैर निकाला और ऐसे कर दिया, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, थैंक यू।